एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भागलपुर पहुंचे। भागलपुर की सर्किट हाउस में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने एनएचएम की मांग और बिहार में गिर रहे पुल पुलिया के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा, जब जब पुल या पुलिया का निर्माण होता है तब नींव डाली जाती है। समय सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। ढलाई का जहाँ काम होता है वहाँ भी इंजीनियर की टीम को मौके पर ही रहना चाहिए। इतना ही नहीं, दौड़ लगाना चाहिए ताकि काम सही से हो सके। यह इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि पुल और पुलिया का निर्माण मजबूत ढंग से किया जा सके, जबकि इंजीनियर को तकनीकी जानकारी होती है। हालांकि बिहार सरकार ऐसे लापरवाह सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई कर रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर को सस्पेंड कर उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को भी हटाकर नए प्रधान सचिव की नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है, जो अपने विभाग में काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एनएचएम की अनिश्चितकालीन हड़ताल में मूलभूत सुविधाओं की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सूबे के अस्पतालों में कंपाउंडर और नर्स को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। टूटे बेंच, कुर्सी, टेंट, अस्पताल में पीने का पानी जैसे तमाम दिक्कतें एनएचएम कर्मियों को हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए ताकि हमारे अस्पताल कर्मियों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जब जब पुल का निर्माण होता है तो नींव जहां ली जाती है वहां उसके कर्णीय अभियंता को, सहायक अभियंता को, कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। ढलाई का जहां काम होता है तो वहां भी रहना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए उस जगह पर। ये उनकी जिम्मेदारियां। और बार बार मैं कहता हूं हमारे इलाके के भी लोग कि भैया देखिए इस ढंग के पुल की आप दौड़िए, वहां आपको तकनीकी जानकारी है, उस ढंग से प्रयोग हो रहा है मेटेरियल का, तो उसको देखिए आप। दो प्रकार की बातें होती है, एक अफसर को से मैंने बातचीत की, बोले क्या काम है हमको, कहा हजूर आप तो मैं प्रणाम करता हूँ, आपके उपाध्यक्ष होकर के मैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ, इन्हें हम बोली नहीं पहचान सके आप, तो मैं भी ऐसा कभी कभी कहता हूँ उसको। उस कहने का अर्थ पर नहीं पकड़ना, उसके कहने में यह है कि जली रूप में हम कर रहे हैं, कार्रवाई तो कर सकते हैं। मैंने कहा लोकतंत्र है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा होगा कि चर्चर इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग को सस्पेंड निलंबित किया गया था, वो कार्रवाई करेंगे। वो शख्स किसी से मिलने वाला आदमी ने व्यक्तिगत जानता हूँ, समय पर वो कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हुई भी है और इसका असर भी पड़ रहा है आपकी जगह पर। जो उस विभाग के ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव जो बदले गए हैं, बहुत अच्छे इंसान है, शरीफ इंसान है, ईमानदार आदमी है, उसकी दहशत उस विभाग में फैल गया। भागलपुर के इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड बिल्डिंग के भवन में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार ने की। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में दोनों जिले के डीएम, एसपी समेत पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जबकि अभियंत्रण विभाग के प्रमुख अभियंता को भी बैठक में शामिल कराया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने बीते दिनों सुल्तानगंज अजगैबीनाथ के निरीक्षण का रिव्यू भी डीएम नवलकिशोर चौधरी से लिया, जबकि श्रावणी मेला की विशेष तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं गंगा घाटों की स्थिति दुरुस्त करने और कांवरियों के लिए सड़क बनवाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब हो कि श्रावण मास से पूर्व प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बाबा की नगरी देवघर के लिए जाते हैं। वहीं इस प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। जहां कमी हुई उसको लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने फौरन सुधार करने का निर्देश अधिकारी को दिया, जबकि विधि व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की मुस्तैदी बनी रहे इसको लेकर दोनों जिला के पुलिस कप्तान पर जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक के दौरान प्रमंडल के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक की अवधि लगाकर पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। इसी क्रम में भागलपुर जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने भागलपुर से 5 मामले चिन्हित किए, जिसमें पक्षकारों को नोटिस देकर बुलाया गया, जिसमें पहले दोनों पक्षों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सुलह कराने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया गया। आपको बता दें, पूरे राज्य में 120 ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिसमें
में 5 मामले भागलपुर जिला में निष्पादित किए जा रहे हैं। भागलपुर के कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का नेतृत्व कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि कोई भी व्यक्ति का मुकदमा होता है तो उसका विकास प्रभावित होता है। जो समूह अपने विकास के कार्यों में देता हुआ समय उसे कोर्ट में गुजारना पड़ता है। कोर्ट का एक केस भी किसी कर्म के दंड से कम नहीं माना जाता। जिला जज ने बताया कि दोनों पक्ष के जो पीड़ित हैं वो आकर सुलह कर सकते हैं और सुलह होने के बाद मुकदमा समाप्त हो जाता है। साथ उन्होंने लोगों से अपनी समझदारी का परिचय देते हुए किसी मुकदमे को सुलह कर खत्म करने की अपील की। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा मामले बैंक ऋण से जुड़े हैं, जिसके सेटलमेंट में ऋण धारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही डीएम ने बैंक प्रबंधन से भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर लोक अदालत में लाने की अपील की, क्योंकि किसी का एनपीए होना उसका सिविल खराब करना ठीक नहीं है, साथ ही इससे बिहार की भी बदनामी होती है। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसी जगह है जहां सालों से चल रहा दो पक्षों का विवाद मिनटों में समाप्त हो जाता है, जिससे घर परिवार के बीच शांति और हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कल कार्यालय में एक व्यक्ति हमारे मिलने आए और उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, और पिछले ही लोक अदालत में जो उनका मामला था कंपाउंडेबल केस था और उसका निपटारा पिछली लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से हो गया, और उस सज्जन की नौकरी लग चुकी थी और बहुत दिनों से परेशान थे, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष के आने से और उस मामले के सुलझने से एक व्यक्ति की नौकरी सुनिश्चित हो पाई। इस तरीके से अनेक मामले हैं जिससे कि जो मामले सालों तक चल सकते थे वो चंद मिनटों में समाप्त हो जाते हैं और घर परिवार और टोले में शांति और हंसी खुशी का माहौल वापस आ जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगातार पिछले कई लोक अदालत में भागलपुर में बड़ी संख्या में मामले का निपटारा हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में जो पक्षकार हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। न्यायिक पदाधिकारियों का भी जो बोझ है कांडों का केसेस का वो कम हो रहा है, पुलिस पर भी बोझ कम हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और ये लगातार अगर अपने इसी गति से चलता है तो आगे भी इसके बहुत ही सुखद परिणाम होंगे। ऐसे काफ़ी संख्या में हजारों केस है जिसका कि निराकरण किया जा सकता है। मैं लगातार बैंक से बात करता हूँ, खास करके बैंक के बहुत सारे केस हैं। अभी आपने समाचार पत्रों में और आप न्यूज में देखा होगा कि बिहार में जो एनपीए की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा है। हम यदि पॉलिसी की बात करें तो कई बार होता है कि जहाँ एनपीए ज़्यादा होता है वहाँ एक डिफरेंस पॉलिसी होती है कि लोन नहीं दिया जाए, और मे भी एक बड़ा कारण हो कि बिहार में जो हमारा सिविल क्रेडिट रेशियो है बैंक का अच्छा नहीं है। तो मैं समस्त बैंक से खास करके आग्रह करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम केस जनरेट कर रहे हैं और अभी एसएसपी साहब ने कहा कि एक केस लंबित रहने से उसकी नौकरी खतरे में थी, तो मैं समस्त बैंक से आग्रह ये करना चाहूंगा कि अपने जो सेल्स मैनेजर हैं या जो सेल्स पर्सन है जो मार्केटिंग देखते हैं उनके माध्यम से पूरी जनता को आप दो चीज हमको ध्यान देना, एक को ध्यान देना है यदि आदमी पे कर सकता है हम कोएर्सिव नजर लेके पे कराएंगे, यदि आदमी नहीं पे कर सकता है पे जज नहीं पे कर सकता है आप लोक अदालत में लाइए निपटारा कीजिए, क्योंकि कहीं भी एनपीए रखना और अपने रिकॉर्ड को खराब रखना ये अच्छी बात नहीं, और इससे बिहार की बदनामी हो रही है और हमारे लोगों को इसका नुकसान खड़ा पड़ना वो ठीक नहीं है। इसके लिए ये आवश्यक है कि छोटे मोटे मामले जिसको कि हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में भी जो अभी नया BNSS जो हम लोग कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है उसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस की सूची दी गई है, वे सभी केसेस दोनों पक्ष का उसके जो पीड़ित हैं वो आकर के सुलह कर सकते हैं और सुलह होने के बाद वो बात समाप्त हो जाता है। उसका इफेक्ट अभी आपने सुना हमारे SSP साहब ने बताया, उसका इफेक्ट है कि वो कोई एडवर्स कोई इफेक्ट उसका नहीं होता है, एक्विटल हो जाता है केस में और वो एक्विटल कभी आपके खिलाफ नहीं माना जाता। इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और जिसमें कि 18 बेंच जो है टोटल भागलपुर में बनाई गई है, 6 बेंच नौगछिया में बनाई गई है एवं एक बेंच का गठन कहलगांव सब डिवीजन में किया गया है। इसमें सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस का निपटारा किया जाएगा एवं बैंक के केसों का निपटारा किया जाएगा, माइंस एंड मिनरल्स के केसेस का इस बार फर्स्ट टाइम जो है लोक अदालत के द्वारा निपटारा किया जाएगा एवं इसके अलावा BSNL इलेक्ट्रिसिटी रूरल अर्बन और अन्य बहुत सारे कैटेगरी के केसों का जो है लोक अदालत के द्वारा निष्पादन किया जाता है।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए एनटीपीसी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला अमडंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आम के बोरे में सांप छुपा हुआ था, तभी बिलासराम जैसे ही आम से भरे बोरे को हटाने गया तो सांप ने उसे काट लिया। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान थाना क्षेत्र के ही 30 वर्षीय बिलासराम के रूप में की गई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक शादीशुदा है, मजदूरी कर अपना घर का भरण पोषण करता था। मृतक के भतीजा पीयूष राम ने बताया कि आम के बोरे में सांप छुपा हुआ था, जैसे ही बोरे को हटाया तो सांप ने काट लिया। स्थिति बिगड़ता देख परिजनों ने उसे एनटीपीसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। घर में सर, घर में, हाँ, मतलब घर के अंदर ही, हाँ, आम का अथिल लेने गया, आम का बोरा था उसी में घुस के बैठा था। अच्छा, काट लिए तो इलाज के लिए ले गए थे? हाँ, इलाज के लिए ले गए, ले जाते ले जाते खत्म। कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? एनटीपीसी ले जा रहे थे। अच्छा, खत्म हो गया पीटीएस में, रास्ते में खत्म हो गया। क्या नाम है मृतक का? इसका नाम है बिलासराम। बिलासराम क्या करते हैं? ये क्या करेगा, यही रोजी रोटी कमाता है, खाता है सर। मजदूरी? हाँ, मजदूरी सर। बिहार राज्य दफादार चौकीदार के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह धरना कार्यक्रम बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन, चौकीदारों की प्रोन्नति एवं बहाली, एसीपी का लाभ आदि मांगों को लेकर किया गया था। इस संबंध में दफादार चौकीदार की राज्य उपाध्यक्ष रामविलास पासवान ने बताया कि चौकीदारों की स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के आश्रितों की बहाली के आदेश निर्गत करने के बावजूद इसको बंद कर दिया गया। वहीं अरवल जिला में वैकेंसी निकाल कर बहाली करने का आदेश निर्गत किया गया है, उसे तत्काल बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ हमारा विधानसभा में विधेयक लाकर अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त चौकीदार हैं उनके आश्रितों की बहाली करने का आदेश जारी किया जाए। साथ उन्होंने कहा कि 34 वर्ष बीत जाने के बाद चौकीदारों को जो एसीपी का लाभ मिलता है वो दिया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। वहीं आगामी रणनीति को देखते हुए 20 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। चौकीदार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आश्रितों की बहाली का आदेश निर्गत किए और उसको अब फिलहाल जो है माने देव मुनि पासवान बनाम बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 25/3/2023 से जो बंद कर दिया गया और
अरवल जिला में जो वैकेंसी निकाल करके बहाली किया गया है उसको जो है तत्काल जो है रोक लगाएं, और हमारा जो है विधानसभा में जो है विधेयक ला करके आप अस्थाई रूप से जो सेवानिवृत्त चौकीदार 1190 और 5/3/2014 के बीच हो गया है, और जो 5/3/2014 और 25/3/2023 के बीच में जो चौकीदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया है, आप उसके लिए विधानसभा में विधेयक पास करें और एक कानून बना दें कि चौकीदार दफादार जो सेवानिवृत्त हुए हैं और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रितों को एक बार बॉन्ड लेकर उनका जो है बहाली करने का आदेश जारी रहेगा। अगर हमारी मांगों को अगर नहीं मानती है तो हम लोग अगले जो है कार्यक्रम के लिए रणनीति तय करेंगे और तत्काल जो है हम लोग बिहार सरकार के यहाँ विधानसभा को 20 जुलाई से हम लोग विधानसभा को घेरने जा रहे हैं और वहाँ जो है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में 17 जुलाई से शुरू हो रहे मुहर्रम को लेकर थानाध्यक्ष प्रियंजन की अध्यक्षता में अहम बैठक किया गया। बैठक में 17 जुलाई को होने वाले मुहर्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश मुख्य अतिथि एवं थानाध्यक्ष प्रियंजन ने दी। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में BDO संजीव कुमार, CO रवि कुमार, नगर उप सभापति नीलम देवी मौजूद थी। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रियंजन ने मीडिया को बताया कि सभी इमामबाड़ा के खलीफा के लोगों एवं राजनीतिक संगठन के साथ बैठक किया गया तो इमामबाड़ा के सभी खलीफा को लाइसेंस लेने के बाद ही निशान तजिया जुलूस पूरे शहर में घुमाने की अनुमति दी जाएगी। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर आज सुल्तानगंज थाना में BDO साहब, CO साहब के साथ और थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों, खलीफा लोगों, इन लोगों के साथ शांति समिति की मीटिंग की है। सबों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक पर्व मनाने का की बात कही थी। क्योंकि पुलिस की निगरानी चप्पे चप्पे पे रहेगी। जो सरकार का गाइडलाइन है बता दिया गया है, जुलूस का जो भी गाइडलाइन है बता दिया गया है, बिना लाइसेंस का जुलूस नहीं निकलेगा। लाइसेंस सारी उसमें स्वयं रहेंगे, कोई नशे में नहीं रहेगा। DJ का संचालन साफ निषिद्ध है। जो लाइसेंस आ रही है उनका एक टीम रहेगा, 15 नवयुवक और 15 बुजुर्ग लोगों का, जो कि अपने अपने जिसको जमात को मैनेज करेंगे। अगर किसी तरह का उस जमात और हमारे यहाँ CCTV से निगरानी रहेगा, ड्रोन से भी निगरानी रहेगा, जिस जमात में गड़बड़ी की जाएगी उस जमात के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।